नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय रहेगा सेक्स प्रॉब्लम्स। तो सेक्स प्रॉब्लम देखिए, मेनली जिसे गुप्त रोग भी कह सकते हैं, यौन रोग भी कह सकते हैं। तो सेक्स प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी तनाव में कमी, अर्ली डिस्चार्ज यानी शीघ्र पतन की शिकायत, इच्छाओं में कमी हो जाना, वीर्य में पतलापन आ जाना, स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की कमी हो जाना, या फिर स्टेमिना कमज़ोर हो जाना। अंदरूनी जो वाइटल फोर्स होती है, अंदरूनी शक्ति जिसे कह सकते हैं, उसका कमज़ोर हो जाना। मेनली जितनी भी सेक्स प्रॉब्लम्स हैं, इनका मेन कारण जो होता है टेंशन रखना, बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी रहना, चाहे वो घरेलू टेंशन हो, जॉब का टेंशन हो, बिजनेस का टेंशन हो, या फिर किसी तरह का टारगेट पूरा करने का टेंशन हो, जिसकी वजह से अक्सर गुप्त रोगों की शिकायत हो जाती है। क्योंकि आजकल का जो खान पान है, प्लस में आजकल का जो भागदौड़ भरी व्यस्त ज़िंदगी जिसके तरह की जी रहे हैं, समय पर ना सोना, समय पर ना जागना, ज़्यादा फास्ट फूड तली फली चीज़ें खाते रहना, या कभी पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाना, नशे की मात्रा का ज़्यादा रखना भी इसका एक कारण है। ज़्यादा मात्रा में हस्तमैथुन करने की वजह से भी सेक्स प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो सबसे बढ़िया इसके लिए देखिए, अपने खान पान और रहन सहन का तरीका थोड़ा बदल लिए। जैसे समय पर सोना, समय पर जागना, एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, इसके साथ साथ फास्ट फूड तली फली चीज़ें ये बिल्कुल नहीं लेनी है, नशा बिल्कुल नहीं करना है, और जितना हो सके अपने आप को ध्यान मग्न रखिए, यानी कि मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत बेटर रहता है। इसके साथ अगर अपना मतलब थोड़ा अखरोट, बादाम, इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स लिए जाएं तो वो भी काफ़ी बेहतर रहते हैं। अपने विचारों को और अपने मन को थोड़ा सा टिकाकर सेक्स की हर प्रॉब्लम से राहत पाई जा सकती है। उसके बावजूद अगर परेशानी महसूस हो रही है, तो मैं आपको एक होम्योपैथिक की दवा बता रहा हूँ। दवा का नाम है ब्रीफा एक्स प्लस BC27। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्मूलेशन है और इमामी ग्रुप के होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है। बहुत अच्छा काम कर रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं 8285742000। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।